सीमावर्ती क्षेत्र परग्वाल में भारतीय सेना द्वारा इंस्ट्राइड विद द फ्यूचर ऑपरेशन सद्भावना के तहत चुनाव ब्रिगेड द्वारा खेल प्रतियोगिता करवाई गई, जिसमें वॉलीबॉल क्रिकेट जैसे खेल शामिल हुए। इस तरह के खेल इसलिए करवाए जाते हैं ताकि बच्चे नशे से दूर रहें। इस बारे में अधिक जानकारी साझा करते हुए कर्नल राकेश बरार ने बताया कि ये टूर्नामेंट का आयोजन इसलिए किया जा रहा है ताकि बच्चे नशे से दूर रहें और ये बच्चे आने वाले दिनों में अपने गांव का नाम रोशन करें और अपने माता पिता का नाम भी रोशन करें। 2IC विवेक चतुर्वेदी, सूबेदार रशपाल सिंह और कई गणमान्य लोग भी इस मौके पर मौजूद थे। इसमें देखिए, हम लोग सब जानते हैं कि हमारे पूरे सेक्टर में काफ़ी युवा हैं जो कि आगे बढ़ना चाहते हैं और स्पोर्ट्स एक ऐसा माध्यम है जिससे जो हम लोग कहते हैं टीम स्पिरिट कहते हैं वो आता है, जिससे लड़ने की क्षमता आती है और एक भाईचारा बढ़ता है कि एक पूरी जो एक गांव है वो इकट्ठा होकर एक टीम सिलेक्ट करके उसे फीड करे। तो ये सारे चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम चाहते हैं कि ये भाईचारा और ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट और लड़ने का जज्बा जो है इन युवाओं में आए और वो आगे बढ़े, इसलिए हमने ये जो है सद्भावना के अंडर हमने स्पोर्ट्स मीट ऑर्गेनाइज़ कराई है, जिसमें हम क्रिकेट और वॉलीबॉल करवा रहे हैं। तो अभी क्रिकेट हम लोगों ने ऑलरेडी स्टार्ट कर लिया, वो कल से स्टार्ट हो गया है और वॉलीबॉल हम लोग आज से कमेंस कर रहे हैं। तो जैसे जैसे टीमें आगे आएंगी तो उसका फिर जो जोश और जज्बा देखते हुए आगे जाके हम उनको प्राइज़ भी देंगे और अगर कुछ अच्छे प्लेयर निकलते हैं इससे तो इसे हम आगे भेजने की कोशिश भी करेंगे।